ग्लोबल मार्केट में आई तेजी के बीच घरेलू मार्केट में भी खाने वाले तेल की कीमतों में सुधार देखने को मिला है। सरसों, मूंगफली, बिनोला, सीपीओ, पामोलिन और सोयाबीन समेत सभी तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा मलेशिया एक्सचेंज में 3% की तेजी देखने को मिली है, जबकि शिकागो एक्सचेंज में ये 1.5% की तेजी रहने के बाद फिलहाल ये 1.5% से अधिक की तेजी इसमें अभी दिखी है। आपको बता दें कि विदेशी तेलों में तेजी के अलावा देश में शुल्क घटाए जाने की चर्चा से विदेशी बाजार में भाव बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले साल के समान अवधि के भाव के मुकाबले इस साल मई में सरसों तेल का मूल्य 15 से 20 रुपए लीटर कम है, जबकि मूंगफली तेल के भाव पिछले साल के स्तर पर ही हैं। साथ ही सरकार ने सीपीओ, पामोलियन, सोयाबीन, डिगम, सूरजमुखी तेल आयात किए जाने वाले तेल के आयात शुल्क में 40 से 50 रुपए प्रति किलो की कमी की है, लेकिन इसके बावजूद विदेशी तेलों के भाव ऊंचे बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरसों की अच्छी पैदावार होने से आयाती तेल की महंगाई के कारण जो संकट पैदा हो सकता था वह फिलहाल टल गया है, क्योंकि आयात होने वाले महंगे खाद्य तेलों के स्थान पर देश के गरीब से गरीब उपभोक्ता भी सबसे सस्ता सरसों तेल खरीद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।